आज आप लोगों को लेकर चलते हैं पडेला महादेव मंदिर। यह प्रयागराज सिटी से 16 किलोमीटर दूर फाफामऊ के थरवई गांव में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने किया था और यहां वो लोग काफी समय तक रुके भी थे, इसीलिए इस मंदिर को पांडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज की पंचकोसी परिक्रमा करते हैं तो बिना पडेला महादेव मंदिर दर्शन किए अधूरा माना जाता है। पडेला महादेव के मंदिर के पास ही राधा कृष्ण, बैजू बाबा, पार्वती जी, काल भैरव, बजरंगबली और कालिदास का भी मंदिर है और मंदिर के नजदीक ही एक ऐतिहासिक तालाब भी है जहां पहले लोग स्नान करने के बाद ही पडेला महादेव का दर्शन करते थे, लेकिन उस तालाब का रखरखाव नहीं रखने के कारण तालाब आज सही स्थिति में नहीं है जिससे लोग अब स्नान नहीं करते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ, यही वो शिवलिंग है जिसे पांडवों ने स्थापित किया था यहाँ सावन के महीने में शिवरात्रि पर। मलमास में बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है और हर सोमवार को भी शिव भक्तों की भीड़ होती है। कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग अपने रंग भी परिवर्तित करते हैं और मान्यता है कि यहाँ कभी कोई शिव भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। भक्तों की हर एक मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसीलिए यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ भक्तगण निशान भी चढ़ाते हैं और बहुत से भक्तगण गंगा जी का स्नान करने के बाद यहाँ नंगे पांव कावड़ लेकर आता है और जल चढ़ाता है और पूजा करता है। भोलेनाथ के मंदिर के पीछे ही हनुमान जी है और बैजू बाबा के दर्शन पहले ही कर लिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।